Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying out chapter 8, Conformation of Cultures, यानी कि संस्कृति होती है जो कल्चर्स हैं उनके अंदर टकराव. इससे पहले हमने क्या है लास्ट चैप्टर के अंदर 7 चैप्टर के अंदर क्या किया था कि कल्चर्स वगैरह जो थे उनके बारे में बताया था कि कल्चर्स हैं कैसे डेवलप हुए इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, यूरोपियन कंट्री के बारे में. तो अब काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो चुका था, काफ़ी कंटेंट्स के बारे में लोगों को पता चल चुका था. तो इससे क्या है कई संस्कृतियों के अंदर आपस में क्या है टकरा हुआ. तो इस लेसन में चैप्टर एट के अंदर क्या है हम इन्हीं के बारे में पता करेंगे कि कौन कौन सी क्या है कल्चर्स के अंदर क्या है कॉन्फॉर्मेशन हुआ. तो फर्स्ट ये रखा है आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर यही बताया जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, फिर उनके बारे में हम क्या है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है कम्युनिटीज ऑफ द कैरिबियन एंड ब्राज़ील. यानी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक में देखोगे कि कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जो लोग थे कम्युनिटीज़ जो रहती थी मेनली उनके बारे में दिया गया है. इसमें से मेनली जो दे रखा है आपको अरावेकियंस के बारे में दे रखा है. तो इनके बारे में पढ़ेंगे, कैरिबियाइज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, इन्होंने का सिर्फ इनके बारे में साथ क्या हुआ था टकराव हुआ था. ये जो दोनों ही कम्युनिटीज़ हैं ये कौन सी थी कैरिबियन कम्युनिटीज़ थी. और ये जो टूपी नाम है ये क्या है ब्राज़ील है. तो ये ब्राज़ील की और जो कैरिबियन है उनकी कम्युनिटीज़ के बारे में. सेकेंड टॉपिक जो आता है आपका द स्टेट सिस्टम ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका. मेनली क्या है अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में आता है जिसमें सेंट्रल यानी बीच का जो है अमेरिका उसमें और साउथ अमेरिका के बारे में आता है. तो इसमें भी कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में है या कल्चर्स के बारे में है उनके बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से कल्चर थे, इनकी फीचर्स क्या थी, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की. तो इसमें से मेनली क्या है 3 जो इम्पोर्टेंट कल्चर्स हैं उन्हीं के बारे में है. पहला एजटेक्स, मायाज एंड इनकास ऑफ पेरू. तो ये 3 कल्चर्स के बारे में है, इनके बारे में भी हम डिटेल से करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वोयागेसिस ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ यूरोपियंस. यानी जो यूरोपियंस थे आप उनको साइंटिस्ट भी कह सकते हो या कोई ट्रेडर्स भी कह सकते हो जिन्होंने नई नई खोज यात्राएं की, जैसे कि अमेरिका की खोज कर दी या किसी की खोज की थी, तो उनके बारे में है. मेनली इसमें पुर्तगाल गेन इंडिपेंडेंस भी दे रखा है कि स्पेन से क्या है पुर्तगाल ने कैसे 1139 के अंदर क्या है इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी और काफ़ी यूरोपियंस की खोजें हैं. नेक्स्ट है लाटिक क्रॉसिंग. अब तक तो क्या है वो सिर्फ क्या है अपने कंटेंट तक सीमित थे. अब तक क्या है मेनली 3 ही कंटेंट के बारे में लोग पढ़ते आ रहे थे या सिर्फ जानते थे, वो तो यूरोप है, एशिया है और मतलब ये यूरोप के साथ जो अंटार्कटिका के पास पड़ता है. तो आगे क्या है अंटार्कटिका को क्रॉस करने की बात आती है कि अमेरिका है तो 3 के बारे में जानते हैं. आगे अंटार्कटिक की क्रॉसिंग करेंगे यानी अंटार्कटिक को पार करने की मतलब अनेक उसके द्वारा जैसे कोलंबस के द्वारा क्या यात्रा की गई थी उनका वर्णन किया गया है, उनके साथ कौन कौन थे उनके बारे में बताया गया है. तो उनके बारे में बताया जाएगा कि उन्होंने क्या है जो यात्राएं की थी वो मेनली उनका पर्पस क्या था ट्रेड करने के लिए था. वो ट्रेड करने के लिए क्या है अपने कोई कॉलोनीज वगैरह ढूंढना चाहते थे तो इसलिए क्या है बिना किसी की हेल्प के वो लगातार चलते चले जाते हैं और इस तरह से एक तरह की क्या है वो रास्ता मतलब कंपास की सहायता से रास्ता भी क्या है बनाते हैं. तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है धीरे धीरे कि इस कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए समुद्र के लिए का ही रास्ता है. तो इसमें कोलंबस का जिक्र है, कोलंबस इंस्पायर होते हैं किसकी इमेज से मुंडी कॉर्नियस की इमेज से और 1410 में उनकी एक बुक्स थी वो उसका जिक्र है. ये कोलंबस के साथ क्या है 2 क्रेवल्स और एक जो उनकी नाव को चलाने वाला था वो जाता है और 2 क्रेवल्स आते हैं पिंटा और नीना. इसके अलावा क्या है वो इस तरह से चलते जाते हैं उनको सिर्फ समुंदरी मतलब सी ही सी ओशियन ही दिखाई देता है. इसके बाद वो क्या है एक मतलब आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम बताया गया है गुनाहानी या जिसको आज के अगर टाइम में बोलें तो सैन सलवाडोर के नाम से जानते हैं. इसके बाद क्या है उन्होंने लगभग 32 वीक्स के आसपास वो रहते हैं. तो इनके बारे में इसका जिक्र किया कि अटलांटिक क्रॉसिंग कैसे करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें स्पेन के बारे में बताया गया कि अमेरिका में स्पेन है उसका इस्टेब्लिश कैसे होता है यानी कैसे स्पेनिश जो है वो अमेरिका में चले जाते हैं उसका साम्राज्य बन जाता है. तो स्पेन इस्टेब्लिश है ऑन एन एम्पायर इन अमेरिका, अमेरिका में क्या है स्पेन का साम्राज्य स्थापित होना. तो इसमें कौन कौन सी मतलब कल्चर्स हैं और उनसे जुड़े हुए कौन कौन से जो लीडर्स कह सकते हैं एम्पायर कह सकते हैं या किंग्स कह सकते हैं वो है.
तो इसमें आपका दे रखा है हरमन कोर्टेस के बारे में दे रखा है, हरमन कोर्टेस है वो एस्टेक लोगों से मिला था उनके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है पिजारो के बारे में दे रखा है, वो इकास के साथ मिला था, जिस जो हमने तीन कल्चर पढ़े हैं। और इसके अलावा कोबरेल है, वो क्या है कैबरोल जो है वो ब्राज़ील के साथ मिला था, इसका पूरा नाम दे रखा है कोबरेल को 1534 उन्होंने 1534 के अंदर क्या है ब्राज़ील को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और शुगर केन मील जो होती है वो सेटअप की थी वहाँ पर 1540 के आसपास। तो इस तरह से क्या है अमेरिका के अंदर क्या है स्पेन एम्पायर के अंदर जो जो काम हुए मेनली 100 ईयर के आसपास है उनके बारे में जिक्र किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट देर का कॉन्सुलर कॉलोनीज एंड द स्लेव ट्रेड्स, यानी यहाँ पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब एक दूसरी कल्चर के ऊपर यानी दूसरी कल्चर को खदेड़ करके या उसको नुकसान पर चाकर के या उनको नष्ट करके क्या नई कल्चर्स को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर एक कॉलोनी सिस्टम बढ़ता है यानी उपनिवेश बनाने का सिस्टम, क्योंकि अब क्या है प्रोडक्शन बढ़ने लगा था एग्रीकल्चर वगैरह का। इस तरह से क्या है इन सभी को क्या चाहिए था, जहाँ पर भी ये प्रोडक्शन दाया जाता था इनको अपनी कॉलोनी चाहिए थी अपना मटेरियल जो है अपना जो प्रोडक्शन है उनको बेचने के लिए या जो उनके पास नहीं है वो खरीदने के लिए। तो इसलिए ट्रेड वगैरह को बढ़ावा के साथ साथ में कॉलोनीज भी यानी उपनिवेश भी वहाँ पर बने और इसके साथ में स्लेव ट्रेड्स भी बने थे यानी दासों का व्यापार होता है, यानी जो पुअर कंट्रीज है वहाँ से ज़बरदस्ती भी है या युद्ध से जीते हुए अनेक दासों को क्या है बेचा जाता है मार्केट्स में, उनकी बोलियाँ लगाई जाती है। तो इन सब का क्या है जिक्र किया गया है, ये इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको क्या स्टेप बाई स्टेप पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।